लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्यों प्रिया? हाय प्रिया, तुम तन्हा आ रही हो? शिवा कहाँ है? ए, वो थोड़ा अजीब ही है, कहता है रुकी हुई बस में नहीं बैठेगा, छोड़ो उसे जाने दो। क्या यार, उनकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। क्या कर सकते हैं यार, उनके कारनामे ही ऐसे हैं। हाँ? हम लोग यहाँ पर उसके लिए आए हैं और वो बस में आने से इनकार कर रहा है। हाँ? कहाँ रह गया यार वो। क्या ये भाई? क्या हो रहा है? इसे मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं? ए, पता नहीं होता तो साथ में हम यहाँ पे आते ही क्यों? ए, जरा देखो कहाँ बैठा है। उसका फोन बज रहा है, जरा उसको बता दो। ए, तुम्हारा फोन बज रहा है, ये भी किसी और को बताना पड़ेगा। ए, तेरे वालिद का फोन है। हेलो। हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अब्बा। अरे मैं शिवा का वालिद बोल रहा हूँ। अरे पता है नहीं कि तुम्हारे वालिद का फोन है। हेलो, अरे शिवा के वालिद है। हेलो अब्बा, प्रिया बोल रही हो? हाँ। सफर कर रही हो? हाँ अब्बा। कहाँ जा रही हो? उसके इंटरव्यू के वास्ते जा रही हूँ। बेंगलुरु जा रही हो ना? हाँ, मैं अपनी मैडम से मिलने जा रही हूँ। पैरवी के लिए? हाँ हाँ, इंटरव्यू 2 शब्बा को है। कर पाएगा? यकीन है इस मरतबा जरूर कर पाएगा। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ वो यही है। अच्छा, बात करनी है क्या? नहीं नहीं, मैं उससे बाद में बात। ठीक है अब्बा। ए, तुम खड़ी बस में नहीं चढ़ते तो उतरोगे भी नहीं, चलो। ए, जल्दी आओ ना। Thank you.
शिवा, ए, क्या देख रहे हो तुम? तुम्हें नहीं आना क्या? चलो। क्या हो गया इसको? शिवा चलना यार। शिवा जल्दी करो। जल्दी कर। आओ। प्रिया। हेलो मैम। शिवा कौन है? यही है। किस ब्रांच का है? इसी का है मैम, हमारे बैच का है। ठीक है, दो शंबा को मिलेंगे। अलविदा। शुक्रिया मैम। मिलते हैं। ए, चलो चलो। ए, चल यार। एक ही रंग यार। एक ही रंग। ए, हाँ। ये लो, पहन कर देखो। प्रिया, ये अच्छा नहीं लगेगा यार। तुम्हारे पास एक भी पुरतकल्लुफ लिबास है? इंटरव्यू में जाने के लिए यही बेहतर होगा। जाओ। ये अच्छा नहीं है प्रिया। अच्छे और बुरे की फिक्र मत करो, तुम्हें एक नौकरी की दरकार है। जाओ। हे, बहुत खूब यार। बहुत अच्छा यार। बहुत शानदार लग रहे हो यार, तहरेदार। खामोश रहो प्रिया, मुझसे अच्छा तो ये लग रहा है। अरे, खुद को एक बुत से मुआजना ना करो, इसे भी एक नौकरी हासिल है। अरे क्या बात है? ए, तुमसे मुखातिब है। तुम्हें यकीन नहीं होगा। अरे बताओ तू सही, फिर यकीन हो जाएगा। अरे यार, मैंने खुद के जैसा शख्स देखा, जैसे ही उसके करीब गया वो गायब हो गया। हाँ तो फिर? ए, उसके मैं तुम्हारे जैसे एक शख्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती, दूसरे को कैसे बर्दाश्त करूंगी। चलो बहुत हुआ, आओ। चलो चलो चलो। ए, शिवा कहाँ है? इल्म नहीं है, कल इंटरव्यू है और उसका मूड खराब है, वो छत पर है। क्या हुआ यार, इंटरव्यू की फिक्र है? हाँ हाँ हाँ। अपने दिमाग से काम लेना, तभी बात बनेगी, ठीक है ना? शबा खैर, सुबह मुलाकात होगी। अरे ये सब छोड़ो ना प्रिया। ए, तुम खामोश रहो। प्रिया, गले का बटन लगाओगी तो परेशानी होगी, मालूम होता है किसी ने गिरेबान पकड़ लिया हो। इन सब का क्या फायदा? ए, फायदा कैसे नहीं होगा? क्या यार, कम से कम आज तो क्लीन शेव करके आना चाहिए। अरे स्मार्टनेस कम हो जाता है यार। ए, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट यार। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आ जाइए। Why are you waiting? Please come in. क्या हो गया? अरे मिनट, ये क्या हो गया? अरे तुम्हारी खातिर इतनी तैयारी की, अब आखिर क्या मिस हो गया? अरे मैं अंदर जा रहा था और वो बाहर आ रही थी। कौन? वो लड़की। क्या कहा? कौन सी लड़की? ये तो हद हो गई। हम लोगों ने काम से छुट्टी ली है मैडम से मिलने के लिए, इसको नौकरी दिलवाने के लिए, ये लड़की के पीछे पड़ा है। क्या ये सब जायज है? अरे यार, अगर तेरे पास नौकरी होगी तो सब कुछ तेरे पास आ जाएगा।
जिंदगी सवर गई तो हजारों लड़कियां तेरे पास आएंगी। एक लड़की के लिए नौकरी छोड़ना वाजिब है क्या? अब बताना मुझे। ए, अब नाटक मत कर। क्या देख रहा है? वो लड़की वैसे ही लग रही थी। ए, अब तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। तुझसे बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे रुको यार, कौन है वो लड़की? क्या मालूम। कहाँ रहती है? मालूम करना पड़ेगा। उसका नाम तो मालूम होगा ना? बहुत जल्दी इल्म हो जाएगा। ए, मालूम होता है, ये ज्यादा होशियार बन रहा है। इसे अपना काम करने दो और हम लोग अपना काम करते हैं। चलो आओ। ए प्रिया, तुम सिर्फ क्या रेडबुल पियोगी या कभी इसको भी आजमाओगी? बहुत उम्दा चीज है। क्या बोलती हो? अभी तुम लोग कहाँ हो? अरे मैंने कहा था कार से जाना वाजिब नहीं होगा, बस से जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग तो पी रहे हैं। अरे तुम लोग कार में मत पीना, बहुत बदबू आएगी। अबे हट, क्या कर रहे हैं? पागल हो गया क्या? अरे नहीं, हम लोग तो कार से बहुत दूर बैठे हैं। क्या कर रहे हैं ये? चलो ठीक है, मुझे पिकअप करने के लिए कोई रेलवे स्टेशन आ जाना। हाँ ठीक है, रखता हूँ। ए, कार का मालिक आने वाला है, किसी को कार लेकर उसे पिकअप करने जाना होगा। ए, हम लोग उसकी कार को हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अब उसने फोन पर कहा उसे चाहिए तो हमें जरूर भेजना चाहिए, वक्त पर हाजिर होना चाहिए। कौन जा रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ, कहाँ हो तुम? स्टेशन पर। ठीक है। पागल, पागल हो, होश रहती हो क्या? कहाँ खो दिया उसे तुमने? सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब हम लोग कैसे पहुंचेंगे? हेलो, हाँ हम रास्ते में, इस लड़की ने टिकट ही खो दिया। हाँ मैडम, हमारी ट्रेन छूट गई है। कोई बात नहीं, आप सारा इंतजाम कीजिए, हम लोग समय पर पहुंच जाएंगे। ओके मैडम। भाईजान चेन्नई चलेंगे क्या? नहीं नहीं, हाल तो इंसान मूड खराब कर दिया। ओ भाईजान चेन्नई जाएंगे क्या? नहीं नहीं, इसने भी इनकार कर दिया। हेलो, एक मिनट। हाँ जरा सुनिए, आपको चेन्नई जाना है? हाँ भाई चेन्नई। हाँ चलो, आइए ना, आइए जनाब, आइए आइए। कितने पैसे लोगे? आप जो दे देंगे जनाब। अरे बताओ तो सही, कमरे तशरीफ तो रखिए। ठीक है, डिक्की खोलो। हाँ हाँ। बैठो, जल्दी अंदर बैठ जाओ। चलो भाई, पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? आप कब पहुंचना चाहते हैं? जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। चलो चलता हूँ जनाब। हेलो हेलो, अरे तुम कहाँ हो? ए, मैं अभी मशरूफ हूँ। अरे मशरूफ हूँ मतलब? बाद में बात करता हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ आया हूँ। कुछ चाहिए? उसने फोन ही काट दिया। क्या काट दिया? क्या हमने उसे अपनी कार यहाँ खड़ी रहने के लिए दी थी? हाँ नहीं तो। छे छे, तुम एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हो और हमारे खुद को पिकअप करने के लिए कोई कार नहीं है। चलो उसे मुझे दो, मैं ऑटो पकड़ के अभी घर चली जाऊंगी। तो मुझे दो। चलो अब्बा, कुछ नहीं, चलो। धक्के पास कहीं का। हमारे टैक्सी में क्यों मार रहे हो भाई? आपके बाप की टैक्सी है क्या? टकले कहीं हो गई। हेलो, आ रही हो ना? हाँ मैडम। कैसे आ रहे हो? मैं कार से आ रहा हूँ, आप सारा इंतजाम कर लीजिए। ठीक है ठीक है, मैं करती हूँ। तुम यहाँ कब तक पहुँचोगे? एक मिनट, शाम के 4 बजे तक पहुँच जाएंगे ना? हाँ क्यों नहीं। हाँ मैडम, हम 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा, इस लड़की ने सब खराब कर दिया। चलो ठीक। हाँ आप रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचिए। हाँ। मैं भी वहीं पहुँचता हूँ। ठीक है मैडम, फोन रखता हूँ। भाई जरा जल्दी चलो, आपको 4 बजे तक पहुँचना है ना? पहुँच जाएंगे। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि हम कितना लेट हो चुके हैं? अब तुम्हारी वजह से हमें भुगतना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है क्या? हम लोग को इधर जाम वाले रास्ते से क्यों लेकर आए तुम? किसे इल्म था कि ऐसा होगा, जाने का यही एक रास्ता है। अब क्या करेंगे, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तुम्हें तो बहुत खुशी मिल रही होगी। खुश तो हो ना तुम? हम लोग यहाँ आकर फंस गए, मालूम नहीं वक्त पे पहुँचेंगे या नहीं, मालूम नहीं अब क्या होगा। ऊपर से मैडम की डांट भी सुननी होगी। ए तुम कहाँ जा रहे हो? अब ये वहाँ जा करके क्या कर लेगा? तमाशा क्यों कर रहे हो? चलो निकलो। काबली से गाड़ी हटाने को कही। अब और मारो इसको एक बार, जाम लगवा दिया, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा यहाँ से। कितनी परेशानी हो रही है, आप बताओ क्या करें? गाड़ी हटाओ अपनी, हटाओ। छोटी सी बात के लिए तमाशा बना रखा था। जो लातों के भूत होते हैं ना, कभी बातों से नहीं मानते।
हेलो, हाँ मैडम, हम रास्ते में ही हैं। वो क्या है कि मैडम, हम लोग पहुंच जाएंगे। हम लोग बेंगलुरु से निकल चुके हैं। ठीक है मैडम। तुम चलो, चलो। कितने का जनाब? 1000 का डाल दो। भाई जरा 5 पान बनाओ। 120 ना? हाँ। हेलो, जरा सुनो। हाँ? यहाँ से जल्दी चलो। क्या कहा? मेहरबानी करके यहाँ से चलो। लेकिन वो, उनकी जरूरत नहीं है, बराए मेहरबानी बात मानो, यहाँ से चलो। गाड़ी तेज चलाओ। कहाँ भाग रहा है? हेलो, हेलो। हाँ बोलो। मैडम, मैं बोल रहा हूँ, वो ड्राइवर लड़की को लेकर फरार हो गया मैडम। हेलो, जरा आवाज कम कर देंगे? हाँ, अरे मैंने नहीं चलाया, खुद ब खुद चल गया। वैसे तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम गाड़ी तेज चलाओ। कहाँ चलना है? एयरपोर्ट चलो। देखो, उसका फोन बज रहा है, उठाओ। हेलो। अरे मेरा मतलब फोन रिसीव करना नहीं, बस उठाने को कहा था। अब ये लो। यार कहां पर है तू? वो फोन करके मुझ पे चिल्ला रहा है। हाँ, एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर? ए, मैंने उसे देखा, उस लड़की को। वो मेरे कार में बैठी थी, अभी तक मेरे साथ ही थी। तेरे साथ? और क्या, अभी अभी उसे एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया है। तुझे इल्म है? वो अभी तक बेंगलुरु में ही थी। काश बारिश हो और एक ही छाता हो और उसके नीचे हम दोनों चिपक जाते तो मजा आ जाता। क्या कहा, बेंगलुरु में बारिश हो रही है? अरे यार, मैंने तो बस मिसाल दी है। ओ, लेकिन यार वो चली गई, अभी अभी उड़ गई, मेरे सामने से जा रही है। चली गई क्या, फ्लाइट लेकर? हाँ यार, मेरे साथ वो हुआ जो कभी हुआ नहीं। हेलो, फ्लाइट छूट गई, बस अभी। प्लीज यहाँ से जल्दी चलो। वहाँ चलो बैठो, बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। बताओ कहाँ जाना है? रेलवे स्टेशन। क्यों, वहाँ से तो अभी भी आई हो? बगैर सवाल किए चलोगे? मालूम होता है किसी परेशानी में हो, बताओगी नहीं क्या? ओ, अब ये रखो। नहीं नहीं, तुमने कपड़े दिया था ना। रखो, कोई बात नहीं, रखो, नहीं रखो, चाहिए रखो। ए, क्या कर रहे हो? उससे पूछा लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या हुआ, ट्रेन भी छूट गई क्या? तुम बगैर बोले चलोगे? तो फिर जाना कहाँ है, बताओगी नहीं क्या? कहीं भी चलो, किसी ऊंची जगह पर रोकना और वहां से मैं कूद के मर जाऊंगी।
आओ बाहर आओ, इससे ऊंची जगह का मुझे इल्म नहीं है, आ जाओ। मैंने तो ऐसे ही कहा था, तुम वाकई मुझे यहाँ लेकर आ गए? तुम खुद ही मुझे धक्का भी दे दोगे क्या? बताता हूँ, आओ तो। पूरा शहर देखो कितना बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ से छोटा मालूम होता है ना। परेशानियां भी ऐसी ही होती हैं, करीब से देखो तो बड़ी लगती हैं, फासले से देखो तो छोटी लगती हैं। देखा ना रास्ते में कितना उतार चढ़ाव था, जिंदगी भी ऐसी ही होती है। फिर तुम जान देने के बारे में कैसे सोच सकती हो? हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम परेशानी में हो, बस ये नहीं मालूम कि वो क्या है। अगर तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बताओ, अगर ऐतबार हो तो। क्या हुआ, मैं ऐतबार के काबिल नहीं हूं? तुम मुझे मुंबई लेकर चलोगे? मुंबई? प्लीज। किसी ने मेरी कार को ठोका तो भी मुझे गुस्सा नहीं आया। अरे सही कह रहा हूँ यार, मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया। तू समझ रहा है? वो किस लिए? वो तेरी नहीं मेरी कार है, तुझे कैसे गुस्सा आएगा? हेलो हेलो, फिर फोन काट दिया। हो गया बस करो। जनाब ने टैंक फुल करने के बोला था। नहीं उतने पैसे नहीं है। नहीं मैडम, जनाब ने फुल करने के लिए बोला है। क्या परेशानी है? मैं टैंक फुल कर रहा हूँ तो मैडम मना कर रही है। नहीं मैंने इन्हें कबले ही रोकने को कहा था, अब 100 रुपए कम पड़ रहे हैं, क्या करूँ? तुम टैंक पूरा भरो। नहीं नहीं इतने पैसे नहीं है। देखो जितने पैसे तुम्हारे पास है उतने में हम लोग मुंबई नहीं पहुँच पाएंगे, रख लो। तुम इन सबका हिसाब रखना, वहां पहुंचने के बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, ठीक है? हिसाब किताब में मैं बहुत ही कच्चा हूँ। तो मैं हिसाब रख लूंगी। अगर पीछा कर रहा हूं वो यकीनन मिल जाएंगे। मेरी मासूम माँ के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, अब्बा ऐसा कुछ करेंगे ये उनके जहन में भी नहीं आया होगा, जबकि उन दोनों की लव मैरिज थी। लेकिन अब्बा ने कभी अम्मी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अब्बा ने एक छोटे बिल्डर का काम शुरू किया, बाद में उनका कारोबार बड़ा हो गया था। फिर अब्बा की जिंदगी में एक दूसरी खातून आ गई, अम्मा ने खामोशी से सब सहा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब्बा ने इसका फायदा उठाया और सारी हदें पार कर गए, अम्मी कुछ ना कह सकी। और एक रोज अब्बा घर आए और कहा कि उस खातून का भाई मेरा शौहर बनेगा। अम्मी को ये बात हरगिज अच्छी नहीं लगी, अब्बा ने मेरी अम्मी को बहुत पीटा। अम्मी उस रात सोई और फिर कभी नहीं उठी। अम्मी के इंतकाल के बाद वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे, तो मैंने वहां से निकलना बेहतर समझा। मैंने अपना घर छोड़ दिया, एक मुलाजमत और रहने के लिए मैंने एक जगह ढूंढी, कुछ रोज बेंगलुरु में भी रही। लेकिन जयराम आया और उसने मुझे वहां से भी तलाश लिया। वो अब्बा का साझीदार है, उसने कहा कि अगर मैं जायदाद उसके नाम पर रजिस्टर कर दूंगी तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने भी उस पर एतबार कर लिया, लेकिन रास्ते में इल्म हुआ कि वो मुझे कोई जायदाद रजिस्टर कराने के लिए नहीं, शादी के लिए ले जा रहा था। अच्छा हुआ कि पेट्रोल पंप पे फरार होने का मौका मिला, इसलिए मैंने तुमसे जल्दी चलने को कहा था। अब मैं मुंबई जाकर अपनी दादी के पास चली जाऊंगी। हे हे, बोलो भाई। हे, दफ्तर में हो गया? एक जरूरी बात करनी है। कार में उसने मुझे अपना किस्सा सुनाया, उसने मुझसे अपनी सारी परेशानियां बताई और मैं खामोश सुनता गया। उसकी जबरदस्ती शादी कराई जा रही थी इसलिए वो बगैर बताए घर से भाग गई है। ये सुनकर मुझे बहुत ही सुकून मिला भाई, मालूम होता है मेरा रास्ता साफ है। ए, अभी इतना खुश ना हो, वो शादी से निजात पाने के लिए तेरे साथ आई है, मुमकिन उसका कोई आशिक भी हो, जरा पता करो। तुम कभी किसी को खुश नहीं देख सकते ना, जुबान से कभी अच्छी बात निकलती ही नहीं। चलो फोन रखो, अभी चला जाए। तुम्हें वो शादी नहीं करनी या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? क्या मतलब? मोहब्बत या कोई और बात?
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक लड़के में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए ये मैंने सोच रखा है। क्या होनी चाहिए? कब्ल तो नौकरी, और दूसरा वो मैं देखकर समझ सकती हूँ। ऐसे कैसे? देखकर कैसे समझ जाओगी? समझ सकती हूँ, उसका पहनावा, बात करने का सलीका, देखने का तरीका, ये सब देखकर उसका किरदार भी समझ सकती हूँ। सिंपली कहूँ तो उसके रिंगटोन से भी इल्म हो सकता है कि उसकी सीरत कैसी है। फोन क्यों काटा? कोई बात नहीं, बात कर लो। बात करने के लिए कुछ नहीं है। आओ खाना खाते हैं। नहीं मुझे भूख नहीं है। अगर भूख नहीं लगी तो मेरा साथ ही दे दो। क्या चाहिए जनाब? एक बटर डोसा। ठीक है जनाब। बटर डोसा कह दिया तो बटर उसके अंदर मत ठूंस देना, बल्कि डोसा को बटर में रोस्ट करके मस्त सुनहरा भूरा कर देना। और हाँ, डोसा को पलटना मत, उसे बस एक ही साइड से फ्राई कर देना। ठीक है जनाब। ठीक है ना? मिनटली है क्या? हाँ है ना जनाब। एक प्लेट जी। ए जनाब कहाँ जा रहे हो जनाब? दही बड़ा है? हाँ जनाब। एक प्लेट और कुछ चाहिए जनाब? फिलहाल इतना ही। शुक्रिया जनाब। और हाँ जी, एक पानी की बोतल। जी जनाब। दही वड़ा, मिनी इडली, ओके। मैंने तो तकल्लुफ में इनकार किया था, तुम मुझसे दोबारा नहीं पूछोगे क्या? हेलो, ये तुम्हारे लिए मंगवाया है, खाओ। तुम्हारी नजरों में देख लिया था कि तुम्हें कितनी भूख लगी है, इसलिए मैंने मंगा दिया। खाओ खाओ ना। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, खाओ आराम से आराम से। खुद के लिए भी मंगवाना चाहिए था ना। तुम खाओ, मैं मंगा लूंगा। सुनो, एक प्लेट डोसा। जी जनाब। और कुछ? भूख नहीं लगी थी तब इतना खा रही हो, तो सोच रहा हूँ जब भूख लगेगी तब कितना खाओगी। ऐसे मत देखो, ये भी हिसाब में लिख लूंगी। माफ करना, तुम्हारा है? कोई बात नहीं, तुम खाओ मैं मंगा लूंगा। कोई बात नहीं, तुम ले लो। वाकई? यू डू वन थिंग, यू लीव द पेपर एट द ऑफिस, आई विल सी देन आई लेट यू नो व्हाट कैन बी डन मैन। या देखो तुम्हारा वाला आदमी बैठा है। डू इट टुडे। यू नो व्हाट आई विल डू, आई विल कम ओवर देयर। मेरा वाला? बताया था ना तुम्हारा वो ख्वाबों का शहजादा, तो मुझे लगा तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा हूबहू वैसा ही होगा। वैसा ही है ना? या वन मिनट। देखो तुम्हारे ख्वाबों के शहजादे ने रास्ता रोका है। हाय, क्या कि मेरी गाड़ी चल नहीं रही है और मेरा ऑफिस हाईवे पर ही है, क्या मुझे छोड़ सकते हैं प्लीज? समझा नहीं। वो कह रहे हैं कि उन्हें रास्ते में ड्रॉप कर दोगे, उनकी कार खराब हो गई है। शुक्रिया शुक्रिया। ओ या शुक्रिया। हे नाइस कार, रियली नाइस। हाय आई एम महेश विनायक एंड यू आर? चारू। चारू लगा। चारू, नाइस नेम। चारू कोक। सो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? बेंगलुरु। बेंगलुरु, ओके। एंड सो वेयर आर यू गोइंग? मुंबई। मुंबई, मुंबई, आई लव मुंबई। Such a beautiful place. I was born and brought up there, you know. Always something new about Mumbai. So, what you do? Searching for a job. Searching for a job. And what is your educational qualification? BEIT. BEIT? Hey, I am a BIT.
You know what? I work in a company very close by. It's called The Origin. Submit your CV and I'm sure I will get you the job. Hey, what are you doing, man? Speed breaker. Watch the road, man. Hey, what kind of a driver you are having? You are beautiful, girl. He is not good. You should be very careful. Okay? Hey, so you said you are a BIT passed out, right? But you look like sweet 16. Hey, you look very young, huh? Really? Chalo ek kaam karo, meri age guess karo. Kitni hogi? I'm a sweet, handsome, good looking guy. Guess karo meri age. No? No problem. Hey, kya kar rahe ho tum? Theek se chalao. Dog. What? Dog. Dog samne se nikla hai. Whatever, man. Hey, listen. My life is more important than the dog's life. So be careful. Ye tum kya kar rahe ho? Zara itminan se drive karo. You should listen to her. Yeah? That's what I'm saying to him. Hey, stop here. Stop. Just pull over right here. Stop. Achha, wo iski jagah aa gayi. Come on, stop the car, man. Hey, yellow. Oh, thank you. Excuse me, ma'am. Kya aap thoda side mein hatenge? Mujhe baithna hai. Wo aage mujhe bilkul maza nahi aa raha tha kyunki bahut tez gaadi chalata hai, you know. Are dekh kya rahe ho? Gaadi chalao. Are piche mat dekho, aage gaadi chalao. Don't waste the time, man. So I was saying that I'm so much safe in the back with you. This driver is so jerky. So what's the star sign are you? Capricorn. I am Capricorn too. Capricorn. So nice. Hamari dosti achhi rahegi na? Main waqai bahut khush nasib hoon. Ye ab kuch zyada hi kar raha hai. Malum hota hai ye yahi shaadi bhi kar lega. Mujhe to abhi pata tha. Kya kar rahe ho tum? Kya hua? Malum nahi. What a coincidence, ha? Tumhari car bhi kharab ho gayi, meri car bhi kharab ho gayi aur hum dono Capricorn hain. Hum dono ke sath ek jaisa ho raha hai. Hey, how much time, ha? Half an hour. No problem. I'm talking to her. You do your work, okay? Huh? So I was talking about that. The Capricorn makes good friendship. Kabhi na chipko kahin ka. Waise ho gaya kya? Hello. Half day. No. I'm very busy, man. Mujhe der ho rahi hai. Hey, my card. Tum mujhe call karna, okay? Bolna mat, call karna. Main intezar karunga. Bye. Chalo. Bye. Phone karna. Chalo. Okay. Niklo. Bye. चलो हां रुको रुको चला नॉट इन दिस हां चलो अरे चलो भाई निकलो तुम निकल जाओ यहां से अरे निकल जाओ अच्छा रहेगा नो छोड़ो मुझे हां भाई कहां जाओगे भाई इसको ले जाओ क्या कर रहे हो चलो भाई कहां फंसा दिया मुझे ओह हेलो तुमने तो हाफ डे कहा था अब कैसे स्टार्ट हो गई इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है जैसे वो मेरी कार से उतरा खुद ब खुद स्टार्ट हो गई वो तो मैं पसंद नहीं आया ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो हेलो मालूम है अभी चारू क्या कर रही है सोई है पूरा मुल्क सोया है अगर चारू सो गई तो ऐसा क्या हो गया तुमने मुझे ये तलाक करने के लिए रात को 2 बजे फोन किया है कि चारू सो रही है क्या कहा तुमने 2 बज रहे हैं हाँ मुझे तो वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा जब से वो मेरी कार में बैठी है मुझे तो वक्त की खबर ही नहीं है जैसे होश खो बैठा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है एक बात कहूँ प्रिया कुछ लोग रोते वक्त और सोते वक्त भी बेहद खूबसूरत लगते हैं और मेरी चारू भी उसी में से एक है उसके नाम का इल्म भी मुझे अभी हुआ है लेकिन तब से 100 मरतबा बोल चुका हूँ उसका नाम ऐसा क्यों होता है प्रिया कभी कभी हमें वो हासिल हो जाता है जिसे ख्वाब में भी नहीं सोचा होता है तुम यकीन नहीं करोगी प्रिया हर वक्त मुझे उसकी तारीफ करने का दिल कर रहा है
देखो रात को उसने कितनी मर्तबा फोन किया, हम सभी का मिलाकर 64 मिस्ड कॉल है, नाक में दम कर दिया है। हे, उसी का फोन आ रहा है यार। हेलो। ए, मालूम है चारू क्या कर रही है? अरे सुबह सुबह क्या कर रही होगी, ब्रश कर रही होगी और क्या। हेलो, इसे हर बात का इल्म कैसे हो जाता है? फोन काट दिया इसने। हे, वो बस हमें फोन करके मजे ले रहा है, अब तू उसे फोन कर। क्या हुआ? अरे तूने फोन क्यों काटा पहले ये बता। अब तुझे सुनने का मूड है तो मुझे बताने का मूड नहीं है, चल फोन रख। क्या बोला? हेलो। ए, ए, तू बार बार फोन क्यों काट रहा है? परेशान क्यों कर रहे हो? क्या बे? ला मुझे। अरे सुनो। हेलो। हे प्रिया, क्या है? तुम रात को हम लोगों को फोन करके मजे ले रहे थे। क्या मजे ले रहा हूँ? ऐसा किसने कहा? चलो ठीक है, कितनी दूर तक पहुँचे? 500 किलोमीटर। अरे ये नहीं यार। तो फिर एक दूसरे के कितने करीब पहुँचे? अच्छा ये पूछ रही हो। तुम मुझे सब बताते हो ना, अब इस मुताले कुछ नहीं बताओगे? ये अभी नहीं बता सकता प्रिया, सिर्फ एहसास। क्या कहा? एहसास। इस वक्त बेइंतहा खुश हूँ मैं, उसके साथ सफर करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं इसी से महसूस हूँ। तुम बस महसूस होते रहो, लेकिन उसे इल्म कैसे होगा? प्रिया, आग हो या बर्फ हो, जब हमारी जिस्म को छूता है तो हमें एहसास हो ही जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह उसे भी ये एहसास हो जाएगा। ए क्या यार, ये तो आग और बर्फ की अजीब अजीब मिसालें दे रहा है। ए फोन मुझे दे। ए भाई मैं तुझे कुछ मशवरा देता हूँ, मुसलसल चलते मत रहना, जाते वक्त रास्ते में किसी छोटे मोटे होटल में रुक जाना। एक ही कमरा, धीमी रोशनी, आशिकाना अंदाज, फिर देखना लड़की का मिजाज बदल जाएगा। लड़कियां दिन में शरीफ होती हैं, लेकिन रात में जब शराफत घास चरने जाती है उसके बाद तुम देखना क्या खेल शुरू होगा। तुम्हें बस उसे जरा से छूने की देरी होगी उसके बाद तुम्हें लड़कियां गिरी हुई लगती हैं। शिवा। प्रिया जरा उसे फोन देना। हाँ तुम्हें से बात करनी है उसे। लगता है तरकीब काम कर गई। हाँ शिवा। ए थू। ए क्या बोला उसने? वो थू कहा कि कमाल है। बचाने की कोशिश ना करो, आवाज यहाँ तक आई। रुकिए रुकिए, चलिए जल्दी बाहर निकलिए, पेपर दिखाइए, आरसी बुक, इंश्योरेंस, सब कुछ दिखाइए। मालूम होता है इससे भी निपटना पड़ेगा। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। नहीं जनाब। अरे पहले अरे पेपर दिखाइए। सुनिए ना, आइए तो सही। अरे यहीं पर बात कीजिए ना। अरे बात करनी, आइए ना। ठीक है ठीक है, ओके आइए, जाने दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। तुमने उसे पैसे क्यों दिए? लाइसेंस दिखाने के लिए कह रहा था तो दिखा देते ना। मेरे पास कोई कागज ही नहीं है। ड्राइवर होकर तुम कागज क्यों नहीं रखते? हेलो, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ। तुम ड्राइवर नहीं हो? नहीं। ओह नो, सॉरी, तुम मालिक हो ये जाने बगैर मालूम नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। अरे मैं मालिक भी नहीं हूँ। मालिक भी नहीं हो? ये मेरे दोस्त की कार है, उसे स्टेशन पिक करने आया था, फिर यकायक मैंने तुम्हें उस शख्स के साथ देखा, और जब मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा हुआ कि तुम परेशान हो, फिर सोचा कि कोई परेशानी होगी इसलिए तुम्हारे साथ आ गया, लेकिन ये इल्म नहीं था कि मुंबई तक जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहा तुमने? बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। हेलो। कहाँ हो तुम? मैडम हाँ, हम रास्ते पे हैं मैडम। अच्छा, मुझे खबर है कि तू बैठकर लेग पीस तोड़ रहा है और मुझसे झूठ बोल रहा है। नहीं मैडम, भूख लगी थी इसकी ऐसी की तैसी। ए, सुना तुमने वो कैसे चीख रही थी? वो मुझ पर पागल की मानिंद भौंक रही है। हम लेग पीस खा रहे हैं, इसका उसे कैसे इल्म हुआ? बता किसने बताया? कौन है यहाँ चुगलखोर? भाई यहाँ कोई चुगलखोर नहीं है, अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। अरे मैडम का कॉल। हाँ मैडम। चल फोन उसे दे जल्दी। एक मिनट मैडम। मैडम लाइन पे है, तुमसे बात करना चाहती है। अब मैडम मैं क्या तुझे पागल दिखाई देती हूँ? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चल फोन उसे दे। हाँ मैडम। उस हरामखोर को एक थप्पड़ मार। जी मैडम जी। भाई माफ करना भाई।
मार दिया मैडम, मार दिया। आवाज मुझे भी सुनाई देनी चाहिए, जोर से थप्पड़ मार। जी मैडम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई। चलिए चलिए। तुम कोशिश करो। जरा सुनो। हाँ? इधर आओ। मैं यहाँ कितनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, तुम मदद नहीं करोगी क्या? क्या मदद कर सकती हूँ शिवा? एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आओ। शिवा। ओ, 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 मुझे माफ कर दो। सॉरी 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 माफ कर दो। जाओ यहाँ से। तो मैं जाऊँ क्या? हाँ जाओ। मुंबई कैसे जाओगी? तो मुझे क्या करना है? मैं स्टार्ट करता हूँ, तुम धक्का लगाओ। हाँ। अरे बाप रे। चलो धक्का दो। और जोर से। जोर से ही दे रही हूँ। अरे और जोर से। क्या हुआ? क्या कर रही हो? मैं तो पूरी ताकत से धक्का लगा रही हूँ लेकिन फिर भी। आओ अंदर बैठो। अंदर बैठो ना। मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। वहां जो दिख रहा है ना वो क्लच है और उसके ठीक बगल में एक्सीलेटर दिख रहा है ना। अब जैसा कहूँ वैसा ही करना। क्लच को अच्छे से होल्ड रखना और एक्सेलरेटर को अच्छे से दबाना। जब मैं गाड़ी को धक्का दूंगा तो क्लच को छोड़ देना, समझ गई ना? हाँ ठीक है, तुम जाकर धक्का दो। देता हूँ। रेस को अच्छे से रेस को रेस को रेस को मुझे बताया नहीं कि तुम्हें ड्राइविंग का इल्म है? तुमने पूछा ही नहीं। फिर तुमने गाड़ी ऐसी क्यों रोकी? जरा सा चूक जाती तो? हाँ? हरगिज नहीं, मैं चूक ही नहीं सकती। अगर मैंने अपने दिल में तय कर लिया तो फिर चूक ही नहीं सकती। मैंने आते वक्त देखा था सामने से आने वाली सारी गाड़ियाँ बिल्कुल सही आ रही थी, तुम ही गलत छलत ले जा रहे थे। हेलो, मान गया कि तुम्हें ड्राइविंग आती है लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ। डिक्की खोलना जरा। वाटर सर्विस। शुक्रिया। जरा अच्छे से धो देना। ओके।
हेलो मैडम, क्या हुआ? अभी नहीं मिली, जैसे ही मिलेगी फोन करूंगा। शुक्रिया। चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, उतरो, नीचे उतरो, को मार रहे, आ जाओ, चलो नीचे, मुंह तोड़ दे, और मार, और मार, छोड़ दो हमें, वहाँ क्या हो रहा है? होगी कोई परेशानी, हमें उनसे क्या लेना देना? आस पास कोई झाड़ भी नजर नहीं आ रहा है, अब तो काबू नहीं आ रहा, यहीं रुक जाता हूं। बहुत खूब शिवा, मैं सोच रही थी कि तुमने रोक दिया। क्या तुम्हें भी यहाँ अच्छा है ना? यहाँ रुकने की सोच रही थी और तुमने तभी रोक दिया, बहुत खूब। शिवा, यहाँ देखो कैसे पानी बह रहा है। क्या कहा? कहाँ बह रहा है? यहाँ आओ ना। हाँ आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? नजारा कितना अच्छा है। हाँ हाँ अच्छा है, बहुत खूब। तुम्हें कैसे लगा कि यहाँ रुकना चाहिए? हाँ अब इससे मैं क्या बताऊँ? बताओ ना शिवा। हाँ अंदर से एहसास हुआ, इतना पानी बह रहा है, दूर से ही आवाज सुनाई दी, इसलिए रुक गया। कार में बैठे बैठे आवाज सुनाई दी। हाँ सुनाई दी, तुम्हें आवाज नहीं आई थी क्या? क्या तुम भी क्या बात करती हो? अब इल्म हुआ कि तुम इतने खुश क्यों हो। हाँ तुम्हें कुदरत बेहद पसंद है ना? ये भी कोई पूछने की बात है, ऐसी जगह आकर मेरे अरमान जाग जाते हैं, और आज तो मेरा शायरी करने का मन कर रहा है। अरे बारिश होने वाली है, जल्दी चलो यहाँ से। तुम्हें कुदरत इतना पसंद है, बारिश से भाग रहे हो, तुम्हें बारिश नहीं पसंद? मुझे बारिश पसंद है, लेकिन बारिश आने से कबल हमें बचना चाहिए, आ गई तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, उसके बाद हम भीग कर गीले हो जाएंगे। मेरी बात मान लो, आओ ना अब चलते हैं यहाँ से। जो चीज पसंद है उससे क्यों भागना? बारिश पसंद है तो फिर बारिश में भीगो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बोलो तुम तो मजे लो। शिवा जरा वो कार देखो, उसका पिछला दरवाजा खुला है, जरा तेज चलाओ ना, बता देते हैं, मुमकिन है बच्चा या फैमिली हो। हाँ मैडम। हाँ अरे गाड़ी और तेज चलाओ, मुंह क्या देख रहे हो, चलाओ। दरवाजा, दरवाजा खुला है। हे शिवा, क्या हुआ? गाड़ी रोको। हाँ? भाई, वही लड़की है। क्या? Thank you.
हंस क्यों रहे हो? तुम भी कमाल हो, उसी की मदद करने चली थी जो तुम्हें तलाश रहा है, खुद शेर के मुंह में चली जाती। तुम हंस रहे हो? वो लोग हमारे पीछे आ रहे होंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों रही हो? मैं हूं ना। तुम क्या करोगे? रास्ता बदल लूंगा। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैंने अभी अभी कार में उसे जाते हुए देखा है, मेरे सामने से गुजरा है वो। ओ मेरी प्यारी मोहतरमा, मोहतरमा तुम्हें देख कर मेरी आंखें मुस्कुराई, तुम्हें देख कर ऐसा हुआ जैसा कबल कभी हुआ नहीं। ए रोक, गाड़ी रोक। शिवा जरा पीछे देखो, मालूम होता है वो लोग आ रहे हैं। गाड़ी रोक। ये चलाओ, पकड़ो उसे। और तेज चलाओ। वो आ रहे हैं शिवा, ठीक हमारे पीछे। जल्दी करो शिवा, शिवा प्लीज जल्दी। बक्से के लिए पीछे हट लो। वो लोग आ गए शिवा, जल्दी करो। पीछा करो उसका। और तेज, और तेज। वो पीछे ही है। पकड़ो उसे, तेज चलाओ। शिवा जल्दी चलाओ। तेज तेज तेज। शिवा, तेज चलाओ। शिवा, ए रुक। बराबर जल्दी चलो। ये तुम्हारी परेशानी नहीं है, मेरी परेशानी है। ये तुम्हारे पीछे नहीं आए, मेरे पीछे आए हैं। और तेज चलो, और तेज। आज वो बचने नहीं पाए। छोड़ना मत उसे, तेज चलाओ, तेज। जा जल्दी, जा जल्दी जा। और तेज, और तेज, और तेज। महफूज ना होने पाए वो, पीछा करो उसका। गाड़ी आगे लेकर जाओ उसके, वो फरार होने की कोशिश कर रहा है। देखो वो उस तरफ जा रहा है, पीछे करो उसका, पीछे करो। और तेज चलाओ, और तेज। आज वो बचना नहीं चाहिए। और तेज पीछा करो। तुम भी चलाओ, तेज चलाओ। और तेज, और तेज, और तेज। कुछ भी हो जाए, गाड़ी से बाहर मत आना।
खबीज की औलाद, मेरे चेहरे पे चाकू मारा था ना, अब देख मैं तेरी शक्ल पे इतने चाकू मारूंगा कि खुद की शिनाख्त नहीं कर पाएगा। मैं देखता हूँ तू यहाँ से कैसे महफूज निकलता है। चल जा, अब खेल खत्म हुआ। अगर मैंने तुझे अपने पीछे आते देखा तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने कहा था ना कि मुंबई में तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरे वहां दुश्मन हैं। मैं समझी नहीं। चलते चलते इल्म हो जाएगा। शिवा, क्या बात है? आखिर वो लोग कौन थे? कहां से आए थे वो लोग? मुझे लगा था कि वो मेरे पीछे आए हैं, लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्यों आए थे? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। परेशानी? एक इंटरव्यू के लिए मैं मुंबई में गया था और वो मेरा पहली मर्तबा था। बस अभी आया, गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। ए, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? ठीक है, ठीक है। मारूंगा इधर ही, चल दफा हो जाए यहाँ से। फालतू नाटक करता है, जा दफा हो जाए यहाँ से, चल भाग। ए, ज्यादा बोला ना तो यही मार डालूंगा। बड़ा आया मुझसे जबान लड़ाता है। ए शिवा, अरे वाह, कैसा है भाई? कैसा है? आजा आजा, चल बैठ बैठ। लगता है नया रंग करवाया है। और नहीं तो क्या, मैं हमेशा अपनी गाड़ी को चकाचक रखता हूँ। ए, सुबह सुबह क्या परेशानी थी वहाँ? अरे कुछ नहीं, एक आदमी ने साइड से आकर ठोक दिया, इसी वजह से बहस हो गई। तू आ गया इसलिए उसे बख्श दिया, नहीं तो उसे सबक सिखाता, सच बता रहा हूँ मैं। अरे यहाँ के लोग हमें कुछ नहीं समझते। अभी एक हफ्ते पहले ही एक से परेशानी हुई थी, वोट डाला था उसे। अरे यहाँ पर ये सब रोज झेलना पड़ता है शिवा, उसके बाद ही मुंबई किसी को अपनाती है। ए, साइड दे रे, साइड दे। अरे सड़क पर दुकान लगा रखी है, पागल है क्या? चल हट साइड में, ये मेरा इलाका है, मेरे नाम से सभी यहाँ खौफ खाते हैं।
शिवा कैसा लगा मेरा इलाका? मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। इतने कायदे वाला इलाका तुझे कहीं नहीं मिलेगा, समझा ना? ये देख अपनी काकी फल बेच रही है। काकी तुम्हारा शौहर कहाँ है, हवालात में या बाहर? मांटूंगा पुलिस स्टेशन ना, फिक्र मत करो मैं देख लूंगा। क्या क्या भाई तेरी पुलिस में सेटिंग है? और नहीं तो क्या, उसके दूसरे शौहर को पुलिस 3 मरतबा उठाकर ले गई। मैंने ही तो रिहा करवाया उसे। मालूम है मैंने क्या किया? बस पुलिस स्टेशन गया, दरोगा ने मुझे सलाम किया, मुझे देखते ही उसे रिहा कर दिया और मेरे कदमों में गिरकर कहने लगा मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। तुझे एक बात बताऊं शिवा, तू आज मुझे इतनी फुर्सत में देख रहा है लेकिन अमूमन मैं बहुत ही मशरूफ रहता हूं। अच्छा ये बता तेरा इंटरव्यू कब है? कल सुबह। चल कोई दिक्कत नहीं, कल तुझे सुबह सुबह पराठा खिलाऊंगा और फिर गोश्त खिलाऊंगा। तू आराम फरमा, मैं खाना लेकर आता हूं। मैं जाकर आता हूं, ठीक है? ए, तू क्या बार बार मुझे फोन कर रहा है? हाँ हाँ ठीक है आ रहा हूँ। शिवा एक छोटा सा काम है, अभी आता हूँ। ए, मैंने कहा ना आ रहा हूँ। अरे तुझे तो मैं जान से मार दूंगा बजात। मैं इस वक्त एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। आपने बाहर जिन दो आदमियों को मारा है वो मामला मैं देख लूंगा, अंदर जो शख्स है उसे मार पाना मुश्किल है, सबकी नजर मुझ पर ही है। इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, प्रेस मीडिया सबका तवज्जो इस केस के जानिब है, अगर मैं कुछ करूंगा तो वो आपके खिलाफ जाएगा। बहुत खुशी हुई तुम्हारी बातें सुनकर, बहुत सही जा रहे हो। देखा जरा सी आवाज सुनकर ये परिंदे कैसे उड़ गए? तुम चाहते हो कि मैं भी ऐसे उड़ जाऊं? हाँ 12 साल से वो अमन हमारे साथ काम करता है, उसे सब खबर है मेरे मुतालिक। अगर एक मर्तबा भी उसने मेरे बारे में मुंह खोला ना तो बस खुश हो ना तुम। अरे ये क्या बोल रहे हो, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए रखा है? कहा था सब दुरुस्त हो जाएगा, अब बकवास कर रहे हो तुम। मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि ये काम कैसे होगा। अपने किसी मुलाजिम से पब्लिक में किसी को मारने को कहो और उस केस की वजह से उसे कैद होने को कहो। कैद खाने में जाने के बाद उसे कहो कि उसे मार दे, किसी को जरा भी शक नहीं होगा। इसने क्या कहा समझ गए? तो वो सब बोलने की क्या जरूरत थी, ये कब्ल क्यों नहीं बताया? हाँ बहुत खूब, अब सब दुरुस्त हो जाएगा।
ए, कौन था वो? कौन था? ए, बता कौन था? ए, बता कौन था वो? ये बता, जल्दी बता। सच सच बता कौन था वो? ए, बता दे नहीं तो तेरी खैर नहीं। बता। अरे क्या कर रहे हो? अरे हम तो यहाँ रहते हैं जनाब। ए, बता। तूने देखा क्या? बता। और मारो। अरे क्या परेशानी है भाई? मुझे नहीं मालूम भाई। ए, तुम यहाँ पर हो? बाहर बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है। किसी ने बाली के मुलाजिम को पीट डाला। अब इस पूरे इलाके में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। वो उस आदमी की तलाश कर रहा है। मालूम नहीं किसने मारा होगा। ए, किसी और ने नहीं, मैंने मारा है। ए, बहुत अच्छा लतीफा सुनाया है। तू भी मेरी तरह फेंकने लगा है क्या? ए, एक मिनट। क्या? दरवाजा मत खोल। है? मेरा कोई पीछा कर रहा था, उसे खत्म कर दिया। ए, बहुत हो गया तेरा, तू भी ना। ए, ये क्या किया तूने? तूने इसे मारा? अरे क्यों मारा? तूने ही तो कहा था कि मुंबई में पहला बार अपना होना चाहिए। अरे मैं तो ऐसे ही फेंक रहा था और तूने अमल भी कर दिया। अब वो हमारा सर कलम कर देंगे और तुझे भी नहीं बख्शेंगे। ए शिवा, तू यहाँ से जल्दी से निकल जा, वो लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं। चल चल चल, 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 चल। ये, ऐसे डर क्यों रहा है तू? ए, दीवाना हो गया है क्या? बाली का इल्म है तुझे? पूरा शहर उसके कब्जे में, दीवाना हो गया। अबे रुक ना शिवा, चल, कह रहा हूँ चल यहाँ से। अरे इतना परेशान क्यों हो रहा है? जल्दी कर, चल। अरे बाप रे, वो लोग तो इसी तरफ है। चल चल यहाँ से, चल। हे भगवान, बस तू यहाँ से जल्दी से निकल जा, बस मैं यही चाहता हूँ। चल जल्दी कर, जल्दी। छुक जा यार, छुक जा। अरे वो मेरे मुकाल से किसी और को मार रहे ना, वो हमारी परेशानी नहीं है। अरे वो उसे फालतू में मार डालेंगे। ये सब बात करने का वक्त नहीं है, तू अपनी जुबान बंद रख। कर रुक, चल। अरे भाई कार रोक यार। शिवा दीवाना हो गया। कार रोक। अरे शिवा, ए शिवा भाई, यही है वो। मैंने इसे ही अपनी आंखों से हमारे आदमी को मारते हुए देखा था भाई। इसे छोड़ना मत, इसे जिंदा दफन कर दो भाई। भाई इसे छोड़ना नहीं। हेलो, एक मिनट। उसने नहीं मारा है, इसका उसे कोई वास्ता नहीं है। मैंने मारा है उसे। भाई भाई भाई, ये वो नहीं है। वो है भाई, वो है, वही है वो कमीना। ठोक डालो, मार डालो उसको भाई। भाई भाई वही है। हीरो बन रहा है? इतनी हिम्मत तेरी? सबके सामने आके बोल रहा है कि तूने मेरे भाई को मारा है? हाँ, तुझे इल्म है मैं कौन हूँ? हाँ, कहाँ से आया है? ए, इसे बता कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? तुम जो भी हो, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भाई ने मुझे हाथ लगाया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और कोई बात? हाथ लगाने पे मारेगा तू? मारेगा तू? चल मैं हाथ लगाता हूँ। इसे कुछ मालूम नहीं है जनाब। जनाब बख्श दीजिए, माफ कर दीजिए इसे। मारना? बख्श दीजिए जनाब, ये इस शहर में नया है। माफ कर दीजिए जनाब, जाने दीजिए ना। माफ कर दीजिए जनाब, बख्श दीजिए। सुनिए ना, खुदा के खातिर बख्श दीजिए। ये शहर में नया है, मेरा दोस्त है, आज ही आया है। बख्श दीजिए भाई। हे शिवा, हे शिवा। चल 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 यहां से शिवा, चल चल।
ये क्या किया तूने? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हे भगवान, अब वो लोग मालूम नहीं क्या क्या करेंगे। अब कोई नहीं बचेगा, सब ठीक हो जाए बस। ए, तुझे इल्म है क्या किया है? ए, खामोश रहे यार, इंटरव्यू नहीं दिया तो अब्बा तमाशा करेंगे। अरे कैसी बात कर रहा है तू? हाँ इंटरव्यू जरूरी नहीं है, जान की हिफाजत जरूरी है। पूरा दीवाना हो गया है तू। आज के बाद तू यहाँ हरगिज मत आना, तेरी वजह से मैं भी मारा जाऊंगा। आज से अपनी दोस्ती खत्म। नहीं नहीं, मैं तो तुझे जानता तक नहीं, नहीं जानता तू कौन है। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद तुम मेरे साथ क्यों चले आए? क्यों, क्या तुम भूल गई? तुमने तो गुजारिश की थी कि मुझे मुंबई छोड़ दो, तो मैं आखिर इनकार कैसे कर देता? बस इसलिए चला आया। लेकिन अब तुम वापस चले जाओ शिवा, वो लोग तुम्हें दोबारा देख लेंगे तो परेशानी हो जाएगी। तुम जाओ, मैं यहाँ से किसी तरह कैसे भी चली जाऊंगी। तुम वापस चले जाओ। मैं तुम्हें आधे रास्ते में छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है शिवा, मुझ पर एतबार नहीं है। एतबार तो खौफ हो रहेगा। खौफ नहीं तो फिर आओ कार में बैठो। क्या हुआ शिवा? वहां पर देखो। अब क्या किया जाए? अपना बैग दो। हाँ? अरे दो ना। क्यों? लाओ। गाड़ी तुम चलाओ। शिवा, वो बस मुझे जानते हैं, तुम्हें नहीं। मैं तुम्हें आगे मिलता हूं। शख्स तो वही मालूम होता है, लेकिन अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे जोर की पड़ेगी। नहीं हुआ? वहां देखो,
रखो। पकड़ो पकड़ो, वो जा रही है, जल्दी जल्दी आओ। वो पास आ गए हैं शिवा। शिवा, वो लोग चले गए। खामोश रहो। ए, वो इसमें नहीं है, चलो गाड़ी लाओ। ओए, गाड़ी लेकर आओ। ये कैसी आवाज है? कुछ नहीं, अंदर के जानवर को बाहर आने से रोक रहा हूँ। क्या? अंदर का कौन सा जानवर? मेरा मतलब है यहाँ के जंगली जानवर। शिवा, क्या यहाँ जंगली जानवर है? शिवा, क्या खूब नजारा है। मालूम है
मुझे ऐसी जगह बेहद पसंद है। कितनी ठंड है ना, मिजाज भी दुरुस्त हो गया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलने का दिल नहीं कर रहा है क्या? संभल के, कहीं गिर गए तो? चलो हम लोग मुंबई पहुंच गए। बताओ कहाँ जाना है? जीपी राजन रोड। हेलो, बोलिए। जीपी राजन रोड सीधे जाके बाएं मुड़ जाइए। शुक्रिया। अच्छा ये है क्या? कब ले यहाँ, कभी आई हो? नहीं शिवा, पहली मर्तबा आई हूँ। किसी से पूछना पड़ेगा। क्या कहा, पूछना पड़ेगा? तुम्हारे पास नंबर नहीं है क्या? नहीं, मैं पता कर लूंगी। हा? अरे इतने बड़े शहर में बगैर फोन नंबर हाउस नंबर के कैसे इल्म होगा? अम्मी ने कहा था कि यहाँ किसी से भी पूछ सकती हूँ। ये कैसा बचपना है तुम्हारा? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। जीपी मतलब मेरे दादाजी, उनके नाम से ही ये सड़क है। हाँ हाँ हाँ। जीपी राजन कंपनी के मुतालिक हर किसी को इल्म है। नहीं नहीं ये मुमकिन नहीं है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, जीपी राजन के नाम से एक भेलपुरी वाला है। जब ये सड़क ही उनके नाम पर है तो वो भेलपुरी थोड़ी फरोख्त करते होंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन ही नहीं हाँ, है। मैंने भी तो यही फरमाया। चलो उस ठेला वाले से पूछते हैं। उससे नहीं, उसके बगल वाले से। हाँ चलो आओ। भाईजान यहाँ जीपी राजन ग्रुप ऑफ कंपनी। राजू भाई, कोई आपको पूछने के लिए आया है? इनके मुतालिक नहीं पूछ रही। तो फिर जीपी ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक कहाँ रहते हैं? एक मिनट ये ले, वो पेपर मिल्स वाले वही ना? हाँ। वो सामने इमारत है, उनसे पूछ लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। शुक्रिया। जीपी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग यही हैं? सॉरी मैम, ऐसा कोई भी शख्स यहाँ पे नहीं रहता है। आप कहीं और जाकर के मालूम कर लीजिए। अरे छोड़ो, ये सब किसी काम की नहीं है, हम खुद ही तलाशेंगे। अरे बाप रे, लगता ही है मुझे मरवा के ही मानेगा। हेलो या ब्रो, मैं नहीं जानता तुम्हें। यस आई डोंट नो। यस भागो। भाई जान एक सोडा। शुक्रिया। ये बता तू फिर से यहाँ क्यों आया? एक छोटे से काम के लिए आया हूँ। ऐसा क्या काम पड़ गया? मुझे नहीं। ये क्या तेरी माशूका है? ये क्या हुलिया है? असली है क्या? ये कब बड़ा है? जब से तूने लफड़ा किया सिर्फ हुलिया ही नहीं, पूरी जिंदगी बदल गई है। अपना हुलिया बदल के पूरे मुंबई में दर दर भटक रहा हूं। इस मुताले घर चलकर बात करते हैं। अगर ऐसे सड़क पे बात करते हुए दोनों में से किसी एक ग्रुप ने भी देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। दो ग्रुप? हाँ दो ग्रुप ही हुए ना। मेरे पीछे पड़ा है आंध्रा ग्रुप और इनके पीछे पड़ा है मुंबई ग्रुप, तो दो ग्रुप हुए ना। अरे वाह यार, इतनी तेज तो मुल्क की तरक्की भी नहीं होती है। दो सूबे के दुश्मन तेरे पीछे पड़े हैं, कमाल है यार। चल मैं जा रहा हूँ। हमें इस तरह छोड़कर जाएगा क्या? ए मैं तुझे नहीं जानता, जाकर कोई होटल ले और वहीं रहे, समझा? मजाक मत कर, चल घर चल। नो 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 नो, मैं यहीं सोता हूँ, समंदर में नहाता हूँ और सड़क पे खाना खाता हूँ। मेरा कोई घर वर नहीं है। ए भाऊ,
पानी खोली ठेवा चाहे लॉकर चाबी दे। अरे यार इसे भी अभी बोलना था, मरवा दिया यार। भाईजान वो बुला रहा है, वाटर कैन रखना है, चाबी मांग रहा है। ये सब तुम कैसे समझ गई? वो उर्दी नहीं मराठी है। ये दिखती भी अच्छी और दिमाग भी है। हे, तो ये तेरा घर है क्या? मुझे तो लगा था कि तू बेघर है, अपने दोस्त के लिए ये हमेशा बेघर होने के लिए तैयार रहता है। चल आजा। आओ तुम भी चलो, आओ जल्दी। कहाँ जा रहा है? हाँ ठीक है ठीक है। रुक, ये पानी के चक्कर में उसने मेरी पोल खोल दी। उन्हें इल्म हो गया तो वो मुझे बख्शेंगे नहीं। ये तो मेरा घर भी जान गया, अब मेरा बचना मुश्किल है, अब मेरी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। चाबी लेके आ जल्दी। ऐसे फेंकेगा तो तेरी गिटार टूट जाएगी। अरे गिटार बैग को तूने कैरी बैग बनाकर रखा है? शिवा फ्रिज काम नहीं कर रहा। वो फ्रिज नहीं है, पहलू बदले बगैर सीधे सीधे मुद्दे पर आओ। ऐसा कुछ नहीं है, छूना नहीं मुझे। हमें सिर्फ एक पता तलाशना है। कैसा पता? हमारे पास डिटेल नहीं है। बगैर डिटेल के भी पता चल जाता है, चलो बताओ। राजन ग्रुप ऑफ कंपनीज, मुंबई। बस इतना ही। ये कैसा पता हुआ भाई? डिटेल बताने को कहा तो सिर्फ इतना सा, अब कैसे तलाशेंगे? कोई बात नहीं यार, एक हफ्ता लग जाए तो भी कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तब तक कहाँ रहोगे? यहीं पर रहेंगे। नो, पता फिर से बताओ। राजन ग्रुप ऑफ कंपनीज मुंबई। हाँ राजन ग्रुप ऑफ कंपनीज मुंबई, बस इतना काफी है। दो घंटे में पता करके बताऊंगा। मैंने कहा था ना मेरा दोस्त है, अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगा। अगर तुम लोग दो दिन यहाँ रुक गए ना तो मेरी जान कुर्बान हो ही जाएगी। तुम लोग क्यों उसे ढूंढ रहे हो? उसे नहीं, हमें वो लड़की चाहिए। किस लिए? शादी थी उसकी लेकिन फरार हो गई। ठीक है, तुम लोग उस लड़की को ले जाओ, लेकिन उस लड़के को हम लोग खत्म करेंगे। वो क्या है, कैसे हुआ? वैसे ही गिर गया था। कैसे? बाथरूम में गिर गया था। हाँ प्रिया, मुंबई आ गए हम लोग, लेकिन हमें पता नहीं मिल रहा है। एक दोस्त के यहाँ पर रुके हैं, वो पता की तलाश कर रहा है। मालूम नहीं उसके साथ और कितनी देर रहूंगा, लेकिन बेहद ही खुश हूँ। मैं एक बात कहूँ? क्या प्रिया? वो पता तलाशने की जरूरत नहीं है। देखना वो खुद तुम्हारे पास आएगी और आकर कहेगी उसे तुमसे मोहब्बत है। वाकई प्रिया? शिवा हा? तुम्हारे उस दोस्त को वो पता मिल तो जाएगा ना? हाँ। ए शिवा तू अभी तक निकला नहीं? ए मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे मैं तेरा इंतजार यहाँ कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है तू? ये देख मुझे अपने घर के अंदर सब कुछ नजर आ रहा है, तू वहाँ से बाहर निकल तभी मैं अंदर आऊंगा। ये समझ ले सेल टू सेल फोन टू फोन, यू आउटगोइंग मी इनकमिंग। ठीक है चलो। आपके पास एंट्री पास है? अरे 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 ए, रुको रुको रुको, इस गाड़ी को रोको। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तुम अंदर कहाँ चले आ रहे हो? तुम्हें वहाँ पे रोका गया ना? ये तुम अंदर ना, ये उनके रिश्तेदार हैं। दरअसल वो रिश्तेदार हो तुम, मैं उनसे मिलने आई हूं। चलो साइड में गाड़ी लगाओ, साइड में लगाओ। हाँ यही रोको। जनाब आपको इल्म है ये लड़की इसी घर से? शारदा मैडम है ना, ये उनकी पोती है। मैं बहुत दूर से आई हूँ, शारदा माँ की पोती हूँ, उनसे मिलना है इसलिए यहाँ आई हूँ। ठीक है मैं जाकर पूछ के आता हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस तरीके से दाखिल हुए हैं। यही रुकिए, इनके ऊपर नजर रखना, मैं पूछ कर आता हूँ। जी जनाब। ठीक है। एक्सक्यूज मी जनाब, जनाब दो लोग आए हैं, उसमें से एक कह रहे हैं कि वो शारदा मैडम की पोती है, अगर आप इजाजत दे तो मैं अंदर पूछ कर आता हूँ। इंतजार कर। जी जनाब। एक्सक्यूज मी, मालूम होता है शादी की दावत है यहाँ। हाँ, हाँ, मैंने आपको जरा संभालो इसे, तुम्हें बाहर इंतजार करना चाहिए। फिर आप लोग अंदर क्यों चले? अब आ गए तो आ गए। मैं पूछ रहा हूँ तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ चलो चलो निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। उनको आने दो। बहू मेरी जानू जैसी लग रही है। आ,
शिवा, जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ जश्न होगा। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये रख लो। तो अब चारों दादी बुला रही हैं। हाँ शिवा, रुकना, मैं आ रही हूँ। राज, आओ ना। ओ, ओ, अरे माफ कीजिए जनाब, माफ कीजिए, गलती से हो गया। हेलो। ए शिवा, कहाँ हो तुम? सड़क पर। और वो? वो अपने घर में। क्या हुआ तुम्हें? सब खत्म है यार, ड्रामा फिनिश। हम लोगों को पता मिल गया और वो अपने घर चली गई। ए, तुमने उससे इजहार किया? उसने तुमसे क्या कहा? उसने हर चीज के लिए शुक्रिया कहा। और कुछ नहीं कहा? और क्या कहेगी वो, क्या कह सकती है? वो वहाँ पहुँच कर बेइंतहा खुश है, सब उसे बेहद प्यार करते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर क्यों रुकूं, मेरा काम मुकम्मल, मुझे जाना चाहिए, और मैं चला आया। मैं बेंगलुरु से मुंबई आया तो वो मुझे जरा भी दूर नहीं लगा, लेकिन जब उसके घर से सड़क तक आया तो मुझे बहुत दूर लग रहा था यार। मेरी आंखों में आंसू भर आए यार। ए, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो। ए, वो कुछ बोल रहा है, तुम बात करो ना। ए शिवा, आनंद बोल रहा हूँ यार, कहाँ है तू? देख, मैं अभी ट्रैफिक में हूँ, बाद में फोन करता हूँ।
शिवा, तुम अब तक गए नहीं? ओह, मुंबई घूम रहे हो? तुम्हारी परेशानी हल हो गई क्या? अच्छा, तुम्हारी परेशानी के बारे में अंकल को बताऊं क्या? खरीदारी, सब के सब ऊपर गए हैं, मुझे भी साथ में यहाँ लेकर आ गए। मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने तो देखा ही ना सब कैसे कर रहे थे मेरे लिए। मैं उन लोगों के साथ जाती तो जिद करते कि ये ले लो वो ले लो, तो मुझे लेना पड़ता ना, इसीलिए मैं यहाँ नीचे रुक गई। नाइस कार, यू नो, इसमें कोई जोक नहीं है। वाकई जब खरीदने जाओ तो सब ज्यादा कीमत मांगते हैं, और जब फरोख्त करने जाओ तो पैसे काट लेते हैं। तुम्हारे कंगन फरोख्त कर बस मुझे इतने पैसे हासिल हुए। इसे रख लीजिए, आपके लिए ही है। मेरी अब एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। ये गेट पर चौकीदार की नौकरी करते हैं, मेरे पास जो कंगन थे वो मैंने इन्हें दे दिए और ये उसे वापस करने आ गए। ये क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था कि बस ट्रेन के पैसे नहीं है, इसलिए मुझसे कहा कि क्या तुम्हारे कंगन फरोख्त हो पाएंगे। मुझे नहीं चाहिए पैसे, रखो इसे, मैं जितने पैसे कमाता हूँ मेरे लिए वही काफी है। अब क्या हो गया तुम सबको? हर कोई उस पर मोहब्बत लुटा रहा है, एक भागी हुई वालिदा के दुख्तर पर। उसकी वालिदा मुझे बेइज्जत करके चली गई। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे वो सब आज ही हुआ है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। क्या वो वहाँ से मेरा सुकून छीनने आई है? अपनी वालिदा की तरह है वो भी। जैसे वो हमें छोड़कर दूर चली गई, वैसे ही इसने भी अपने बाप की तय की शादी से इनकार कर दिया। अब उसकी बेटी यहाँ मुझसे क्या हासिल करने आई है? अरे मेरी बात तो सुनिए, चीखिए मत, कहीं वो सुन न ले। तो सुनने दो ना, इसीलिए तो चीख रहा हूँ। इस घर में उसका कोई नहीं है। अगर तुम उसके लिए कुछ करना चाहती हो तो इस घर के बाहर करो। अगर तुम मेरी बात से मुख्तलिफ हो तो तुम भी जाओ। तुम अपना फैसला बताओ। उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, वो मुझे पसंद नहीं करते। अम्मी के मुतालिक भी बहुत कुछ कहा, इसलिए मैं वहां रुक ही नहीं पाई और वहां से चली आई। अम्मी कहती थी कि मुंबई में दादाजी के नाम पर एक सड़क है, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि मैं सड़क पे ही आ जाऊंगी। तुमने मुझे यहां लाने के लिए बहुत मेहनत की, इसलिए तुम्हारे सामने मैं इसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। लेकिन उस बुजुर्ग शख्स ने मेरा सारा राज खोल दिया। रोज मेरे मुंह से खून निकाला था ना खबीस, 6 माह तक कैद खाने में सड़ा खाना खाया तेरी वजह से। शिवा, 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 चल, चल, शिवा, 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 चल, दे मुझे। ये मेरा शिकार है, ये मेरा दुश्मन है, तेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। मुझे लड़की चाहिए थी ना, ले जा, जा। जा, जा, तू तो गया। शिवा, शिवा, शिवा। ए, गाड़ी धीरे चला, मैं उसे मार खाते देखना चाहता हूँ। शिवा, 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 शिवा। गाड़ी भगा।
और कोई है क्या? हाँ? ओए! अब अगर किसी ने इस लड़की और मेरा पीछा किया ना तो काट के रख दूंगा। चलो आओ, देखता हूं कौन कौन है। अब हमारे पीछे कोई नहीं आएगा, डरो मत, मैं सब देख लूंगा। क्या हुआ शिवा? वहां देखो। शिवा कैसे हो? कैसे हो?
ए, तूने हमें बताया नहीं कि तू इनके साथ आ रहा है? हम सबको तुम्हारे चक्कर में बहुत परेशान किया इसने। जब से तुम्हें बेंगलुरु की बस में देखा है ना, तब से हम सब बहुत परेशान है। क्या कहा, बेंगलुरु की बस में देखा? इसने तुम्हारी वजह से अपना इंटरव्यू छोड़ दिया। इंटरव्यू? इसके साथ जो भी होता था हमें फोन पे बता बता के परेशान करता था। और जब तुम अपनी दादी के घर पे चली गई तो ये रोने लग गया। तब हमने इसे समझाने की बहुत कोशिश की। ये तुम्हें बहुत पसंद करता है। और जब हमने इससे पूछा तो हमसे भी छुपाता था। कहता था कि मैं नहीं बोल सकता, वो खुद ही कहेगी। ये तुम्हारा नाम भी कम से कम 1000 मर्तबा बोलता होगा। अरे कुछ नहीं, ये लोग बस मजाक कर रहे हैं और मुझे चिढ़ा रहे हैं। ए, बहुत हो गई अदाकारी।